ओके सो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे जो Xiaomi 11i और Xiaomi 11i हाइपर सेस डिवाइस है उसके लिए अनदर एक कस्टम रिकवरी रिलीज हुआ है जिसका नाम है पीच ब्लैक, और इसको मैं इंस्टॉल भी किया हूँ। सो देख सकते हो Xiaomi 11i में। ओके और पहले वाला जो एक रिकवरी था ऑरेंज बॉक्स, ओके बहुत दिन पहले रिलीज हुआ था, मंथ भी बोल सकते हो, बहुत मंथ पहले, तो उसमें प्रॉब्लम वगैरह क्या था, वो रिकवरी परमानेंट नहीं रह रहा था, बाकी उसमें जो सारे रोम को इंस्टॉल वगैरह नहीं कर सकते थे, और जो उसको फ्लैश करने के बाद ना ओवले रिकवरी को फ्लैश करने के बाद फ़ोन बूट नहीं हो रहा था, कोई रोम को इंस्टॉल करके उसको बूट करना पड़ रहा था, अदरवाइज सबको फॉर्मेट करके बूट करना पड़ रहा था। तो चलो देखता हूँ इस ए वाला जो पीच ब्लैक रिकवरी है ये परमानेंट रहता है कि नहीं, बाकी डिक्रिप्टेड को सपोर्ट करता है कि नहीं, और इसमें से आप जो कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हो कि नहीं, परमानेंट वगैरह आता है कि नहीं, रोम को इंस्टॉल करने के बाद फ़ोन बूट होता है कि नहीं, तो सब कुछ बताऊंगा। ओके सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पे नया हो गए और आप इस डिवाइस के ऊपर और भी कंटिन्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके सो गाइस, ये वाला जो कस्टम रिकवरी है ना इसको आप दो प्रोसेस से इंस्टॉल कर सकते हो। ओके सो मैं दो ही प्रोसेस बताऊंगा, उसमें से आपको जो सही लगेगा आप वही प्रोसेस को फॉलो करना। ओके तो सबसे पहले गाइस मैं अपना जो डिवाइस है उसको फास्ट बूट मोड पे ले जाता हूँ। ओके तो पावर अप करके मैं नॉर्मली फास्ट बूट मोड पर लेके जाता हूँ, तो उसका पावर जो बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करता हूँ एक साथ, तो देख सकते हो फास्ट बूट मोड पर आ चुके हैं। देन फोन को पीसी के साथ कनेक्ट करना। ओके सो मैं कनेक्ट करके आप लोगों से मिलता हूँ। ओके सो फाइनली देख सकते हो मैं अपना जो डिवाइस है ना इसको पीसी के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। ओके और हाँ गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है गाइस, आपका पीसी में अगर प्लेटफॉर्म टूल्स इंस्टॉल नहीं है सो आप कर लेना। ओके बाकी एक ड्राइवर का ज़रूरत होता है, नहीं तो डिवाइस कनेक्ट वगैरह नहीं होते। सो अभी अगर इंस्टॉल नहीं है तो मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, सो वाले वीडियो देख लेना। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, दिस पीसी, उसके बाद सी ड्राइव, देन प्लेटफॉर्म टूल्स, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तो आपको CMD टाइप करना होगा, CMD, देन एंटर, तो कमर्शियल विंडो आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा फास्ट बूट फ्लैश, देन फिर से स्पेस, उसके बाद बूट, देन स्पेस, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये वाला जो पीच ब्लैक का जो इमेज फाइल है इसको आप ड्रैग कर देना, देन आप एंटर प्रेस करना। ओके सो वन टाइम में एंटर काम नहीं करते कभी कभी, तो दो सेकेंड टाइम काम किया, देख सकते हो सेंडिंग वगैरह हो रहा है। ओके देन नॉर्मली हो चुके बूट, सो देख सकते हो टोटल फिनिश सब में नॉर्मली। इधर से जो कस्टम रिकवरी को जो कस्टम रिकवरी में एंटर करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा फास्ट बूट रिबूट रिकवरी, देन एंटर। तो चलो देखते हो गाइस रिकवरी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ओके मी लोगों पे आया है। ओके उसके बाद देखता हूँ। ओके ये प्रोसेस होने के बाद मैं दूसरा प्रोसेस दिखाऊंगा, उसके बाद ये वाला जो हाँ देख सकते हो जो रिकवरी है ना ये इंस्टॉल हो चुके। ओके सो देख सकते हो, सो मैं अब सेकेंड प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका फीचर्स वगैरह नॉर्मली क्या क्या सपोर्टेड है सब कुछ बताऊंगा। ओके सो चलो अब दूसरा प्रोसेस पे, सो उसके लिए मैं फिर से फ़ोन को पावर अप करके फास्ट बूट मोड पे लेके जाता हूँ। ओके गाइस, सब अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ कर दो यार, मेहनत लगती है वीडियो वगैरह बनाने में। ओके सो देख सकते हो मैं फ़ोन को फिर से फास्ट बूट मोड पर ले गया हूँ। देन आपको क्या करना होगा, आपको ये वाला जो जिप फाइल है ना इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, एक्सट्रैक्ट टू सी ड्राइव में कर रहा हूँ जहाँ पर प्लेटफॉर्म टूल्स है। यस ओके हो चुके हैं। देन फिर से आपको डिस पीसी में जाना होगा सी ड्राइव, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा फोल्डर्स वगैरह आ चुके हैं। ओके सो इसमें से आपको पीच ब्लैक फाउंड करना होगा नोटिस के नीचे, ये वाले देख सकते हो पीच ब्लैक, तो इसमें आपको नॉर्मली डबल क्लिक करना होगा। ओके सो देख सकते हो डबल क्लिक में फ्लैश नॉर्मली डायरेक्टली फ्लैश होते हैं, और ये वाला प्रोसेस मुझे सही लगता है, देख सकते हो फ्लैश हो चुके हैं। इधर से देखना कीबोर्ड में नहीं कह देना ये वाला गायब हो जाएगा, और देखता हूँ इस वाला प्रोसेस से फ्लैश हुआ है कि नहीं। ओके अगर हो जाता है तो मैं इसका फुल फीचर्स दिखाऊंगा। सो हाँ देख सकते हो इस सेकेंड प्रोसेस से भी फ्लैश हो चुके हैं। सो मैं दोनों प्रोसेस का लिंक, मतलब दोनों एक जिप फाइल या फिर बोल सकते हो इमेज फाइल, दोनों का लिंक दे दूंगा आपको, जो सही लगेगा आप उसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना। ओके अब चलो देखता हूँ गाइस ये वाला रोम
में क्या क्या सपोर्टेड है और ये भी बताऊंगा फ़ोन बूट होते है कि नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे गैस डिक्रिप्टेड है कि नहीं, ओके सपोर्ट करते हैं कि नहीं। सो हाँ देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज सपोर्टेड है मेरा, ओके देख सकते हो। बाकी ए वाला रिकवरी एंड्रॉइड 14 को सपोर्ट करते हैं, ओके। सो देख सकते हो इधर से बहुत सारे फीचर्स वगैरह है ए वाला रिकवरी का। मैं पहले ब्राइटनेस को थोड़ा और भी कम लो कर देता हूँ, ओके। और इसमें गैस ओ टी जी का भी सपोर्टेड है, बाकी एस डी कार्ड का सपोर्टेड है। और मेरे में गैस लेनिज ओएस का एंड्रॉइड 14 वाला रोम इंस्टॉल है, ओके। मैं ए वाला प्रोसेस ए वाला जो रिकवरी है इससे इसको फ्लैश किया था। सो देख सकते हो वाइप में रीसेट एडवांस फॉर्मेट का ऑप्शन है। सो मेरे में ऑलरेडी गैस एंड्रॉइड 14 वाला लेनिज ओएस इंस्टॉल है। तो चलो देखते हो फ़ोन बूट होता है कि नहीं या फिर फॉर्मेट करके बूट करना पड़ता है पहले वाले रिकवरी की तरह। तो चलो रिबूट सिस्टम करता हूँ, देखता हूँ इस फ़ोन बूट होता है कि नहीं, ओके। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइस, सर चैनल पे नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो वेट करना फ़ोन बूट होता है कि नहीं, ओके। उसके बाद ये भी बताऊँगा, ये भी दिखाऊँगा गाइस बूट होने के बाद ये फिर से रिकवरी में आता है कि नहीं या फिर रिकवरी गायब हो जाता है, परमानेंट रहता है कि नहीं, ओके। चलो बूट एनिमेशन पे आ चुके हैं, एंड्रॉइड 14 वाले लेने चाहिए, ओके। सो देख सकते हो गाइस कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं करना पड़ा मुझे और फ़ोन भी नॉर्मली बूट हो चुका है। सो देख सकते हो लेने चाहिए इसका जो एंड्रॉइड 14 वाला जो कस्टमर रिलीज हुआ था रिसेंटली, मैं उसको ही कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ। सो देख सकते हो एंड्रॉइड 14, ओके। अब चलो देखते हो गाइस ये फिर से रिकवरी में बूट होता है कि नहीं, रिकवरी इंस्टॉल है या फिर रिमूव हो चुके हैं। सो इसके लिए पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करके रखता हूँ विदाउट पावर ऑफ किए हुए, देखता हूँ डायरेक्टली होता है कि नहीं, ओके ओके वेट देखता हूँ। ओके सो देख सकते हो गाइस मैं फ़ोन को बूट किया फिर से रिकवरी में आया, तो नॉर्मली ए रिकवरी इंस्टॉल है, ओके रिमूव नहीं हुआ। सो ये जो रिकवरी है ये परमानेंट है, बाकी डिक्रिप्टेड है, इंटरनल स्टोरेज वगैरह सपोर्ट करते हैं। और ए वाला रिकवरी से आप एम आई यू आई का कोई से भी रोम को इंस्टॉल कर सकते हो जो रिकमेंडेड रोम है। बाकी ए ओ एस पी का एंड्रॉइड 14 वाला रोम को भी आप ए वाले रिकवरी से इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। सो खुद सो जाओ गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम आ चुके हैं और बहुत सारे यूज़र इसके ऊपर जो वेट भी कर रहा था कोई कस्टम रिकवरी का, सो फाइनली आ चुका है। बाकी अदर जो कस्टम रिकवरी है उससे ये बहुत एडवांस है क्योंकि इसमें फीचर्स वगैरह कुछ ज़्यादा है और इसका जो लुक है वो भी बहुत यूनिक है। सो एडवांस में जाने के बाद देख सकते हो साइड कॉपी जो लोग है, बाकी साइड लोड का ऑप्शन आपको इधर से देखने को मिल जाएगा और बहुत सारे फीचर्स वगैरह है, टूल्स का ऑप्शन है और टर्मिनल का भी ऑप्शन है। नॉर्मली इधर से आप सिस्टम को रिबूट कर सकते हो, पावर ऑफ, रिबूट टू जो रिकवरी, रिबूट टू बूट लोडर, फास्ट बूट और स्लॉट वगैरह आप इधर से चेंज कर सकते होगे और इससे आप कोई से भी रोम को इंस्टॉल कर सकते होगे। सो इस तरह से मिल जाएगा, नॉर्मली इंस्टॉल कर लेना, ओके। सो आई होप गाइस वीडियो हेल्पफुल लगा, सो प्लीज़ लाइक। और मेरे फ़ोन में जो कस्टम रोम इंस्टॉल है एंड्रॉइड 14 वाला लीनेज ओएस उसका अगर फुल रिव्यू चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, ओके। तो चलो मिलते हो गाइस ऐसे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।